हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनल और फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ला रही हूं बागा के टॉप 5 कपल रिजॉर्ट्स, जिसमें से बजट से लेकर लग्जरी तक इस जो है रिजॉर्ट को आपको दिखाने वाली है। उसके साथ साथ यूनिक थीम वाले भी जो है रिजॉर्ट्स है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को जो है स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और मैंने इस प्रॉपर्टी को खुद विजिट किया है सारे के सारे, और मैंने गोवा के अब तक 80+ रिजॉर्ट्स कवर किए हैं, उनमें से चुन के आपके लिए कपल रिजॉर्ट्स जो है ला रही हूँ। प्राइस डिटेल्स सारी की सारी जानकारी इस ब्लॉग में मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सो हमारा फर्स्ट होटल जो है ये एक बुटीक होटल है, ग्रीस थीम वाला। ये प्रॉपर्टी बजट में आपको मिल रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, शॉर्ट और स्वीट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इन लोगों ने स्विमिंग पूल भी दिया है, गजीबो दिए हैं, सेल्फी पॉइंट्स दिए हैं। रात को जब लाइटिंग होती है तो ये जगह और भी खूबसूरत दिखने लगती है। यहाँ पर टोटल 20 रूम्स है, और 20 के 20 रूम्स की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ब्लू वाइट ग्रीस थीम आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर आप फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, रील्स बना सकते हो, और इसका जो इंटीरियर है, डिजाइन है, वो आपको वो जो है ग्रीस थीम वाला मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी वुडन वर्क नहीं मिलेगा, स्टोन वर्क में आपको यहाँ पर इंटीरियर मिलने वाला है। ब्यूटीफुल बेडरूम जहाँ पर सोफा है, सोफा कम बेड भी है। ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी बालकनीज जिससे आप जो है रिलैक्स कर सकते हो, और पर्सनली ये जगह मुझे काफ़ी पसंद आई थी। 1800 रुपीस से रूम स्टार्ट हो जाते हैं, जब सीजन रहता है तो 2,000 से 3,000 के बीच में आपको यहाँ पर स्टे करने के लिए मिल रहा है। तो आप सोच ही सकते हो कितने बजट में आपको बागा में स्टे मिल रहा है, वो भी थीम बेस्ड। और यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, फूड के लिए आपको बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। और इस होटल का नाम है मैकोरियस बुटीक होटल, और ये बागा में है। हमारा सेकंड नंबर का रिजॉर्ट जो है, यहाँ पर बच्चे और पेट्स अलाउड नहीं है, 18+ लोगों के लिए ये रिजॉर्ट है। स्पेशियस रूम, लग्जरी स्टे आपको यहाँ पर मिलेगा, टब बाथ है हर एक रूम में। रूम का जो इंटीरियर है ना वो काफ़ी अच्छा है, रिवर व्यू आपको मिल जाता है। कई कई जो है रूम्स हैं इन्हें तो आपको टेरेस भी मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आपको बुक्स, रोमांटिक बुक्स जो है वो पढ़ने के लिए मिल लेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर जो स्विमिंग पूल एरिया है, वहाँ का जो सिटिंग एरिया है स्विमिंग पूल के पास में, आपको जो है बार एरिया भी मिलेगा, यहाँ पर हुक्का भी आपको मिलेगा, और पर्सनल जो है गजीबोज बनाए गए हैं कपल्स के लिए। और यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ पर फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी होता है, यहाँ पर आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हो, मतलब सेलिब्रेशन करने के इतने सारे तरीके यहाँ पर मौजूद है। इन हाउस रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर बार एरिया भी है, स्पा एरिया भी है। और कई डिटेल्स के लिए आप जो है मेरा जो अलग से डिटेल जो व्लॉग है वो भी देखिएगा। इस रिजॉर्ट का नाम है द पार्क रिजॉर्ट बागा। हमारा जो थर्ड रिजॉर्ट है ये एक पुर्तगीज स्टाइल रिजॉर्ट है, और ये मोस्ट पॉपुलर है यहाँ के रिजॉर्ट के लिए भी और यहाँ के रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे लाइव बैंड होता है। यहाँ का फूड बहुत ही बेस्ट है, बार मेनू यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एवी ही आ जाते हैं। सो यहाँ पर जो पुर्तगाली स्ट्रक्चर आपको मिलता है स्टे के लिए, सच में आपको गोवा में आने का फील हो जाएगा। और यहाँ पर इन का खुद का जो है स्विमिंग पूल एरिया भी है, जहाँ पर उसके सामने भी आपको जो है बार एरिया मिलेगा। स्विमिंग पूल एरिया की जो जगह है वो काफ़ी बड़ी है, और इस यूनिक स्टे में आपको रहने में सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस प्रॉपर्टी का नाम है कवाला रिजॉर्ट, और यहाँ पर आपको बहुत सारे कैटेगरीज के रूम मिलने वाले हैं। इंटीरियर काफ़ी बेस्ट है, स्पेशियस रूम है, और यहाँ पर आप कपल रह सकते हो, आपके पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और इस रूम्स की जो प्राइजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 5,500 रुपीज़ में। और मेरा अगर पूरा का पूरा व्लॉग देखना होगा, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देखनी होगी, तो आप मेरे चैनल पर जाकर भी वो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको जो है टिटोज लेन बस 5 मिनट
के वॉकिंग पर ही है, मार्केट ये सब कुछ बहुत पास पास में है, तो कपल के लिए तो एकदम बेस्ट है ही। आप फटाक में जो है बीच के ऊपर जा सकते हो और यहाँ पर इंडोर एक्टिविटीज भी अवेलेबल है। हमारा जो फोर्थ रिजॉर्ट है ये थीम बेस्ड रिजॉर्ट है और बजट फ्रेंडली भी। सो यहाँ पर आप रहने वाले हो गोवा के वन एंड ओनली कंटेनर होम में। इस रिजॉर्ट का नाम है द बीच बॉक्स रिजॉर्ट और ये जो है ये बजट फ्रेंडली है। 3,500 रुपीज़ में आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। साइकिल थीम पर ये रिजॉर्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर इन हाउस आपको जो है बार एरिया मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा जहाँ पर आपको वेज नॉन वेज दोनों भी फूड मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि आपको रेड कलर का स्विमिंग पूल मिल रहा है। कितनी बढ़िया बात है ना। सो कपल्स के लिए तो एकदम बेस्ट है, अडल्ट पूल है ये। और तो और यहाँ से जो बागा बीच जो है और जो बागा रिवर है ये 5 मिनट डिस्टेंस पर ही है, जहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हो। ये साइकिल थीम है क्योंकि यहाँ पर आप साइकिलिंग कर सकते हो बागा रिवर पर, ये बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सर्विस भी जो है वो मिलती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर दो कैटेगरीज के रूम्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। सो फर्स्ट जो है यहाँ पर आपको डिलक्स रूम मिलेगी जहाँ पर आपको साइकिल्स के पार्ट्स यहाँ पर डेकोरेटिव्स मिलेंगे। यहाँ का इंटीरियर काफ़ी बेसिक है लेकिन फुल स्पीड वाईफाई और रूम्स भी है जो इनकी साइज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। 3,500 रुपीज़ में सच में बहुत ही बेस्ट है कपल्स में, जिसको आपको ब्रेकफास्ट भी जो है वो मिल रहा है। और हमेशा ना गोवा में कहीं पर भी आ रहे होगे तो प्लीज़ कांटेक्ट करके आना, क्योंकि प्राइजेस जो है वो काफ़ी चेंज होते रहते हैं। तो मैं अभी आपको जो प्राइजेस बता रही हूँ ये ऑफ सीजन के हैं, सीजनल जो है वो अलग रहते होगे, तो प्लीज़ कांटेक्ट करके ही ज़रूर आना। हमारी नंबर 5 की जो रिजॉर्ट है ये काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्योंकि बागा बीच टच ये प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इन हाउस आपको स्विमिंग पूल भी जो है वो मिल रहा है। नॉर्मली आपको बीच टच प्रॉपर्टी में ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। बहुत सारी कैटेगरीज के रूम्स हैं जिसमें आपको जो है बीच जो है वो दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पर सनसेट जो है इंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ साथ कई कई रूम्स में जो है टब बाथ भी है। सो रूम्स की जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है 3,500 रुपीज़ से। यहाँ पर स्पा एरिया भी है और आप कांटेक्ट करके ज़रूर आना। और व्यू भी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगी इस प्रॉपर्टी के बारे में। और बहुत बड़ी भी प्रॉपर्टी है, सो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इसी के साथ साथ बीच टच होने का फ़ायदा ये है कि इनका खुद का शैक है जहाँ पर आप जो है रात को पार्टी भी कर सकते हो। रात को 10 बजे तक यहाँ पर म्यूजिक चलता रहता है। बीच पर जा सकते हो, बागा क्रिक हो या फिर बागा रिवर, यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हो। मतलब जो बीच के पास जो स्टे है ना वो उसमें आप काफ़ी इंजॉय करते हो। दूर कहीं पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन हाउस रेस्टोरेंट है तो आपको बहुत ही टेस्टी फूड यहाँ पर जो है सर्व किया जाता है। उसी के साथ साथ जो फिशेस है यहाँ पर भी फ्रेश फ्रेश आपको मिल जाती है। और इस रिजॉर्ट का जो नाम है वो है लैरियस रिजॉर्ट। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा व्लॉग देखने के लिए भी मिल जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। और मैं ऐसे ही जो है बागा के जो आइटरनरी है, बागा के क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, उसके भी मैंने अलग से व्लॉग्स बनाए हैं। उसके अलावा भी बागा के और भी रिजॉर्ट्स देखने होंगे तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। पूरे गोवा के आइटरनरीज, टूरिस्ट प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, ये सारी की सारी जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलने वाली है। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके जो है सारे के सारे व्लॉग्स देख सकते हो, जिससे आपको और कहीं पर भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एक ही चैनल पर आपको बहुत सारी डिटेल्स सारी की सारी पता चल जाएगी। और मैं ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन रिजॉर्ट्स जो है वो आपके लिए लाती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। और उसके साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे नए नए रिजॉर्ट्स के ऑप्शंस का। उससे आपकी बागा की ट्रिप जो है वो और भी बेहतरीन हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।